2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के 150वीं जयंती पर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय में भी एक विचार गोष्ठी रखा गया, जिसमें बुद्धिजीवियों ने गांधी जी के व्यक्तित्व की चर्चा की। देखिए लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री और करने के बाद उसके पहले भीषण दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना का जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए लेकिन कोई डिजाइन यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय संस्थान के तरफ से संस्थान के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सचिव निर्मल सिंह चक्रवार ने मंच संचालन के साथ इस पुस्तकालय के सभागार में दो महापुरुषों देश के राष्ट्र के दो महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर सेमिनार का आयोजन इस संस्थान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काले संस्थान में के माध्यम से किया गया है और महापुरुष जो राष्ट्र और देश के लिए सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं जय जवान जय किसान के नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है, इसको हम लोग हर्ष उल्लास के साथ और सेमिनार के रूप में मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय संस्थान के माध्यम से। संस्थान में संतोष चौरसिया जी, शत्रुघ्न रजक जी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी, अपना परिचय बताइए, निर्मल सिंह सकरवाल पुस्तकालय में पुण्यतिथि के अवसर पर जुटे हुए हैं गांधी जयंती के दौरान। ये प्रदीप बाबू पंकज जिन्होंने इस पुस्तकालय का स्थापना किया, बहुत दिनों तक इस पुस्तकालय विराम ने रूप धारण कर लिया था। हम लोग अम्बेडकर जी के पुनर्जीवित यहाँ पर किया है और आज उनका शुरुआत किया जयंती के। पूरा नाम अपना? मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद सिंह, अम्बेडकर पुस्तकालय का अध्यक्ष वर्तमान।